ये मेरे साथ में Hyundai वरना जो कि टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में है, और इसमें आपको नेचुरली एस्पिरेटेड टर्बो पेट्रोल के दो ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है। बहुत सारे नए फीचर्स के साथ में ये गाड़ी लॉन्च हुई है इंडिया में, और अपने सेगमेंट में दबदबा बनाए रखने वाली होंडा सिटी को एक तगड़ा कंपटीशन दिया है इसने आते से ही, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये पसंद आ रही है। तो क्या कुछ आपको Hyundai वरना में ऑफर किया जा रहा है, पर्टिकुलर इस वेरिएंट में क्या कुछ आपको मिल रहा है अगर आप टर्बो पेट्रोल लेते हैं वो भी मैनुअल के साथ में, ये मेरे साथ में मैनुअल है, तो कितनी कीमत है, क्या क्या फीचर है, सबकी बात करेंगे इस वीडियो में। की से शुरू करें तो कुछ इस टाइप की आपको की मिलती है, बेसिकली यहाँ पर लॉक अनलॉक और होल्ड बटन है, और यहाँ पर बूट का बटन है, तो चार बटन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि Hyundai की ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में आपको चाबी मिलती है, उसी टाइप की चाबी है। और डिज़ाइन जो है वो एकदम नया आया है Hyundai वरना में, और अब इस डिजाइन को अगर देखो तो काफी लोगों के मिक्स ओपिनियन है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी ये डिजाइन जो पसंद नहीं आ रहा है। फोटो वगैरह के मुकाबले अगर आप देखते हो तो फिर भी थोड़ी ठीक ठाक गाड़ी लगती है, फ्रंट से मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई है, लेकिन हाँ फोटो में इतनी भी जितनी हाल फिलहाल पसंद आ रही है इतनी भी नहीं आ रही थी, फोटो में देखने में बिल्कुल बकवास सी चीज लग रही थी, फिर अभी थोड़ी बहुत फिर भी ठीक लग रही है। तो यहां पर आपको Hyundai का लोगो मिलता है, ये पूरा DRL मिलता है, और इसी में आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि इतने पार्ट में दिए गए हैं, और बाकी बीच वाला जो है ये पूरा DRL है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो कनेक्टेड है। और गाड़ी में आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, हैलोजन फॉग लैंप आपको मिलते हैं, फ्रंट में भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, ग्रिल जो है वो कुछ इस टाइप की मिलते हैं, यहाँ पर रडार सिस्टम मिलता है, अडास फीचर्स जो हैं वो Hyundai वरना के अंदर आ चुके हैं, और होंडा सिटी के पास ये एक प्लस पॉइंट था कि उसमें अडास आता है लेकिन अब इसमें भी आ गया है, तो दो गाड़ियाँ हो गई हैं सेगमेंट के अंदर जिनमें आपको अडास मिलता है। इसके अलावा सेगमेंट में स्कोडा स्लाविया और VW वर्टस भी आती है, तो उनमें हालांकि अडास नहीं आता है लेकिन इसमें अडास आता है। और साइड प्रोफाइल में अगर आओगे तो टर्बो के अंदर आपको ब्लैक अलॉयस मिलते हैं जो कि इसको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देते हैं, बाकी अगर आप टर्बो नहीं लेते हो तो उसमें आपको ये डायमंड कट टाइप का मिल जाएगा। 16 इंच के टायर हैं, 205/55 का साइज़ है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, और कैलिपर्स अगर आप देखोगे तो इनको भी रेड रखा गया है, तो स्पोर्टी एलिमेंट जो है वो यहाँ पर कंपनी ने ऐड किया है। बाकी ORVM के ऊपर आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, सेटन फिनिश में आपको ये डोर हैंडल्स मिलते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाएगा, तो कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है, और गाड़ी के ऊपर ये काफ़ी सारी क्रीज आपको मिलती हैं जो कि इसको एक स्पोर्टी लुक जो है देती हैं। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल देख सकते हो, सेगमेंट में सबसे बड़ा व्हील बेस आया है, 2630 mm के आसपास है, अगर मैं गलत हूँ तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैं डाल दूंगा लेकिन लगभग इतना ही है, लेकिन ये सेगमेंट का सबसे बड़ा व्हील बेस है, यानी कि इसके इंटीरियर में स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, और ये होना ज़रूरी भी था क्योंकि Hyundai वरना जो इससे पहले आती थी वो अपने सेगमेंट में सबसे कम स्पेस ऑफर करती थी, तो कंपनी ने अब सबसे कम को सबसे ज़्यादा में कन्वर्ट कर दिया है, ये अच्छी चीज़ है। इसके बाद में ये एलिमेंट आप देख सकते हो क्रोम का, काफ़ी अच्छी लुक देता है, और टेल सेक्शन में अगर आओगे तो टेल सेक्शन से ये गाड़ी मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है इस सेगमेंट में आने वाली दूसरी सभी गाड़ियों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपको कनेक्टेड टेल लैम्प सेटअप मिल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, और प्लस ये वरना जो अंदर लिखा गया ना ये काफ़ी अच्छी लुक देता है। यहाँ पर लोगो दिया गया है, यहाँ आपको कैमरा मिल जाएगा, इसके बाद में 1.5 लीटर का ये टर्बो पेट्रोल इंजन है, और 1.5 लीटर का आपको नेचुरली एस्पिरेटेड भी मिलता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, टेल लैंप की डिज़ाइन जो है ना कुछ इस टाइप की आती है तो ये लुक काफ़ी अच्छी देती है। इसके बाद में यहाँ पर बम्पर में एक एलिमेंट ये ऐड किया गया है, इसी टाइप का कुछ एलिमेंट जो है वो आपको Hyundai एक्स्टर में भी देखने को मिलेगा, उसके टेल सेक्शन के अंदर जो पिक्चर्स रिलीज हुए हैं और उसका जल्द ही कंपनी लॉन्च भी करने वाली है तो उसके बारे में भी कभी और बात करेंगे। बाकी ऊपर यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना दे देती है कंपनी, और यहाँ आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है और डिफोगर मिल जाता है। तो एक्सटीरियर में क्या कुछ मिलता है वो मैंने आपको दिखा दिया, आप चलते हैं इंटीरियर में। सबसे पहले स्पेस की ही बात करते हैं, तो रियर सीट पर क्या कुछ मिलेगा, तो यहाँ आपको पावर विंडो स्विच मिल जाता है, इधर आपको स्पीकर सेटअप मिलता है, 8 स्पीकर कंपनियाँ ऑफर कर रही है। बात करें स्पेस की तो स्पेस जो है वो जैसे मैंने पहले कहा कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अच्छा खासा आपको यहाँ पर लेग रूम मिल जाएगा, और अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत ही बढ़िया हो गया है। इसके बाद में यहाँ आपको ये आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ में, और हेडरेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है लेकिन 2 ही दिए गए हैं, 3 नहीं है, बीच वाले के लिए नहीं है। और स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो 2 लोगों के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस है, बीच में आराम से एक बच्चा बैठ सकता है, और अगर किसी बड़े को भी बैठना है तो यहाँ आ सकता है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में रियर में आपको यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाते हैं, 2 टाइप C पोर्ट दिए गए हैं, USB टाइप A नहीं है, होना चाहिए था मेरे हिसाब से क्योंकि
एक एक का ऑप्शन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। कुछ लोगों के पास टाइप ए है और कुछ लोगों के पास टाइप सी है, तो वो यूज़ कर पाते। हालांकि बहुत अब टाइप सी आ रहा है वैसे, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है कुछ सामान वगैरह आपको रखना है तो। सनरूफ गाड़ी के अंदर आती है और उसके बाद में यहाँ बीच में आपको ये लाइट मिल जाती है, बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह आपको मिल जाएगा, कोट हुक वगैरह आपको मिल जाता है। तो पीछे कुछ इतनी चीज़ें हैं, बाकी डोर पॉकेट के अंदर आपको ये बोतल होल्डर वगैरह मिलता है। स्पेस के मामले में गाड़ी आपको काफ़ी सही लगेगी। और चलते हैं आगे की तरफ, आगे क्या कुछ मिलता है। तो आगे आपको यहाँ पर पहले सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे ओवरवीएम के, तो यहाँ से ओवरवीएम आप कंट्रोल कर सकते हो। लोक अनलॉक और पावर विंडो वगैरह के स्विचेस आपको मिल जाते हैं। हर जगह ये सेटिन क्रोम आपको मिलेगा, कहीं भी आपको प्योर क्रोम नहीं मिलता है, तो ये एक चीज़ है। इसके बाद में सीट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट आपको मिलती है इलेक्ट्रॉनिक, और ये एडजस्टमेंट आपको मिलती है मैनुअल। ये थोड़ा सा अजीब है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक अगर दे रही थी कंपनी तो इसको भी इलेक्ट्रॉनिक कर देना चाहिए था। हालाँकि मैनुअल जो है वो थोड़ा सा फास्ट काम करता है इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन में। मुझे पर्सनली मैनुअल ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन अगर आप मैनुअल रख रहे हो तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक ना देना था, पूरा ही मैनुअल रखते तो ज़्यादा अच्छा था। तो ये थोड़ा सा है। इसके बाद सीट वगैरह आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया कुशनिंग वगैरह ऑफर की जाती है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, हीटेड का भी ऑप्शन आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको पेडल्स जो हैं वो मेटल पर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसका हुड ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर हेडलाइट लेवलिंग है। इसके बाद में टच एंड कंट्रोल ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। और इसको ऑन करते हैं, दिखाते हैं आपको और क्या कुछ मिलता है। तो अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि गर्मी हो रखी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, तो प्रेस करेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। तो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है फिलहाल। अब इसके अंदर क्या कुछ मिलता है, तो यहाँ पर ये 10.25 इंच के दो डिस्प्ले आपको मिलेंगे, जहाँ पर ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएंगी। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। और टच रिस्पॉन्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो वो काफ़ी बढ़िया है, ब्राइटनेस वगैरह भी अच्छी है। और इधर आपको ये इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है जिसके अंदर आपको RPM, स्पीडो और सारी बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी। बेसिकली इधर फ्यूल आपको मिल जाएगा, इधर इंजन टेम्परेचर वगैरह आपको देखने को मिलता है। स्क्रीन साइज काफ़ी अच्छा है, कलर और कॉम्बिनेशन वगैरह अच्छा लग रहा है। उसके बाद टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील कंपनी ने दिया है, जो कि मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। मतलब थ्री स्पोक जो होता है वो ज़्यादा बेटर लगता है। उसके बाद में यहाँ फ्लैट भी नहीं है ये, तो पूरा है लेकिन अलग सी चीज़ है, लेकिन पर्सनली मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे बताना। इधर आपको ये वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर स्टेयरिंग पे आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, अडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी मिलता है, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको एडास के जो एडवांस फीचर हैं एमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह वो भी आपको मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर ऑटोमेटिक IRVM आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आपको SOS बटन मिलता है, Hyundai की ब्लू लिंक कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, यानी कि कनेक्टेड फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर ये आपको AC के कंट्रोल्स मिलते हैं, और यहाँ से आप इनको जो है वो AC वगैरह को तो सेट कर ही सकते हो। साथ में इस बटन के साथ में आप इसको स्विच कर सकते हो। अभी देख रहे हो AC पे है, इसके बाद में इस बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पर मीडिया कंट्रोल्स जो हैं वो ऑन हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम इसको मीडिया को भी यूज़ कर सकते हैं, आप देख रहे हो तो इस टाइप से। तो यहाँ पर आपको ये मीडिया कंट्रोल्स, तो यहाँ पर ये आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स मिल जाती हैं, उसके स्विचेज हैं। यहाँ भी आपको टाइप सी मिलता है, वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिल जाएगा, 12 वोल्ट का सॉकेट है, USB चार्जिंग पोर्ट है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये पार्किंग कैमरा वगैरह का व्यू अगर लेना है तो वो आप ले सकते हो। और इसके बाद ड्राइव मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो, पार्किंग बटन आपको मिलता है, और यहाँ पर ये पूरा मैनुअल सेटअप आपको मिलेगा जो कि 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो उसके अंदर आपको 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन सेटअप मिलता है। यहाँ पर अपना हैंड ब्रेक आ जाता है जो कि मैनुअल ही है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। और यहाँ पर 2 कप होल्डर आपको मिल जाएंगे, आर्म रेस्ट है जिसको आप इस तरह से खोल सकते हो, यहाँ पर आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा, और ये स्लाइडिंग भी है तो ये अच्छी चीज़ है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये पूरा रेड एलिमेंट मिलता है, बीच में आपको ये हजार्ड बटन है। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये भी अच्छा है, और साथ में यहाँ पर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है तो ये अच्छा है। इसके बाद इधर अगर देखोगे तो वैनिटी मिरर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ये लाइट्स मिल जाती हैं, इनको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ से आप इस तरह से इसका सनरूफ एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिलती हैं, और ड्राइवर साइड भी आपको मिरर जो है वो मिलता है। हालांकि लाइट नहीं है, ना ही इस तरफ है ना ही इस तरफ है, सिर्फ मिरर का सेटअप आपको मिलेगा। तो इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है वो मैंने आपको दिखाया, आप चलते हैं बाहर।
बूट स्पेस वगैरह भी दिखा देता हूँ, तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर इसके बूट में मिल जाएगा, बहुत ही बड़ा बूट है। उसके बाद में यहाँ अगर आप देखोगे तो बूट में लैंप आपको मिल जाता है, स्पीकर लगा हुआ है यहाँ पर, लैंप है। तो स्पेस के मामले में गाड़ी आपको हर जगह से पसंद आएगी, मतलब बूट में भी अच्छा स्पेस है, अंदर भी अच्छा स्पेस है। अब इंजन की अगर मैं बात करूँ तो ये है इसका 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। पैकेजिंग वगैरह बहुत ही बढ़िया रखी गई है, हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से प्लेस की गई है, तो इंजन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। पावर बहुत ही बेहतरीन है, इस इंजन से आपको 157 bhp की पावर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है, 7-speed DCT आपको मिल जाएगा अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और टर्बो इंजन जो है ये अपना सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है, तो स्पेस भी हुंडई काफ़ी ज़्यादा ऑफर कर रही है, उसके बाद में इंजन परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर कर रही है, और सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी गाड़ी जो है वो काफ़ी आगे है। अब सेफ्टी की बात हुई है तो सेफ्टी फीचर्स भी बता देता हूँ, ढेरों कंपनी ने सेफ्टी फीचर दिए हैं। पहला, फ्रंट और रियर के अंदर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, बेसिक सेफ्टी में जैसे कि सीट बेल्ट रिमाइंडर स्पीड अलर्ट वगैरह आपको मिलते ही हैं। इसके अलावा एडास लेवल 2 के फीचर्स हैं, और 6 एयरबैग्स कंपनी ऑफर कर रही है, ABS, EBD और आपको हिल होल्ड कंट्रोल्स, इस टाइप के तमाम फीचर्स इस गाड़ी के अंदर दिए हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी के मामले में भी ये गाड़ी जो है वो काफ़ी आपको पसंद आएगी। हालांकि क्रैश टेस्ट रेटिंग आना बाकी है, अभी तक नहीं हुआ है, कितना स्कोर करती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ सेफ्टी फीचर्स के मामले में कंपनी ने कोई भी कमी नहीं रखी है, हर एक सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में मिलेगा। बात करें अब कीमत की तो 10,90,000 रुपये से ये गाड़ी जो है वो शुरू होती है और 17,38,000 रुपये तक आपको ये मिलेगी। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे साथ में जो वेरिएंट है ये टर्बो पेट्रोल है, मैनुअल ट्रांसमिशन डुअल टोन के साथ में, तो ये आपको मिलेगा 15,99,000 रुपये में, लगभग 16 लाख रुपए में आपको ये मैनुअल के साथ में मिलेगा, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है टर्बो मैनुअल का। और अगर आप टर्बो DCT लेते हैं टॉप मॉडल तो वो 17,38,000 रुपये में आपको मिलेगा। तो क्या कुछ गाड़ी के अंदर मिलता है ओवरऑल मैंने आपको दिखाया, अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये नई वरना आपको कैसी लगी है, डिज़ाइन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इस गाड़ी से रिलेटेड और अगर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।